नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। विश्व पर्यावरण दिवस पर जापान से आई 4 सदस्यीय डेलीगेट टीम ने फुलवारी स्कूल में वृक्षारोपण किया है। जापान से आए डेलीगेट्स टीम ने स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण पेंटिंग बनाकर महत्व बताई है। वहीं फुटबॉल और बॉक्सिंग के बच्चों को ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग पाकर बच्चे काफी खुश नजर आए। जापान टीम का धन्यवाद दिया है। जिले में चयनित फुलवारी स्कूल के बच्चों को ट्रेनिंग देते हुए यहां पर नजर आए हैं। तो तस्वीरें आपके सामने हैं गोंडा की, जहां पर विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण किया गया है। आपको बता दें कि यहां पर सबसे ज़्यादा खास बात ये रही कि कुछ जो डेलीगेट्स थे वो यहाँ जापान से पहुँचे हुए थे फुलवारी स्कूल में, जहाँ उन्होंने पौधारोपण किया। जापान से आए डेलीगेट्स टीम ने स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पर्यावरण संरक्षण पेंटिंग बनाकर उसकी महत्वता बताई है। वहीं फुटबॉल और बॉक्सिंग के बच्चों को खास ट्रेनिंग दी है। ट्रेनिंग पाकर बच्चे भी कहीं ना कहीं खुश नजर आए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर बच्चे खुश हुए, साथ ही साथ धन्यवाद भी दिया है टीम का। जिले में जो चयनित बच्चे थे उनको यहाँ पर खास ट्रेनिंग दी गई है। उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र के बिंकुपुर गांव में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि घर की छत पर सोने जा रही महिला को अचानक सांप ने काट लिया, जिसके बाद उसके पति ने काटने वाले सांप को पकड़कर डब्बे में बंद के सफीकुर सीएससी लेकर पहुंचा। जहां डॉक्टर ने सांप देखा तो हैरान रह गए। आसपास के मरीजों में हड़कंप मच गया। डॉक्टर ने महिला को देखा और बेहतर इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां पति अपनी पत्नी और डब्बे में बंद सांप को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा तो सांप देखकर जिला अस्पताल में मरीजों में हड़कंप मच गया। पति ने सांप को डॉक्टर को दिखाया, जिसके बाद डॉक्टर ने महिला का इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर का कहना है कि अक्सर सांप काटने वाले केस में मरीज अपने साथ सांप लेकर आते हैं कि डॉक्टर को दिखा सके कि किस सांप ने काटा है। तो नाव का एक पूरा मामला है, जहां पर पत्नी को सांप ने काट लिया तो पति सांप को डब्बे में बंद करके अस्पताल पहुंच गया है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि अस्पताल में जो मरीज थे वो भी कहीं ना कहीं घबराए हुए नजर आए थे। फिलहाल जिला अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा है। नाम है आपका? अनिल कुमार। कहाँ से आए आप? बिल्कुल। अच्छा, क्या घटना हुई थी आपकी पत्नी को लेकर आए? सर ने काले जा रहे थे घर पर, पैर के नीचे आ गया, काट लिया। भाई ने देखा तो फिर मार के डब्बे में बंद कर दिया। तो साहब ने क्या है? हमने एम्बुलेंस के फ़ोन किया, एम्बुलेंस आई, फिर सिटी गए। सिटी जैसे उन्नाव के लिए रेफर कर दिया गया। वहाँ ट्रीटमेंट होने के बाद में उन्नाव के लिए लाया गया। तो सांप लेके आए, डॉक्टर ने दिखाया, क्या कहा डॉक्टर ने? पीलीभीत में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पीलीभीत नगर पालिका परिषद की अध्यक्षता डॉक्टर आस्था अग्रवाल ने नगर को साफ और सुंदर बनाने के लिए पूरे शहर में एक रैली निकाली, जो कि सदर कोतवाली स्थित जलकल परिसर से होते हुए चावला चौराहा, गैस चौराहा, सुनगढ़ी होते हुए नगर पालिका परिषद पीलीभीत में इसका समापन किया गया। आपको बता दें कि इस पैदल गश्त का मुख्य उद्देश्य नगर को विशेष साफ सफाई, स्वच्छ और स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान पैदल गश्त करके नगर की संभ्रांत जनता को समर्पित किया गया। साथ ही जन जागरूकता डोर टू डोर अभियान चलाया गया है। इसके अलावा जनता से संपर्क कर नगर को स्वच्छ सुंदर बनाने की अपील की गई है। वहीं इसके अलावा पीलीभीत नगर पालिका परिषद कार्यालय परिसर में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर एक यज्ञ का आयोजन किया गया था, जहां यज्ञ और पूजन कर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की लंबी आयु के लिए कामना की गई। साथ ही विश्व पर्यावरण दिवस और योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर नगर पालिका परिसर के कार्यालय परिसर में सभी सदस्यों ने वृक्षारोपण किया है। पीलीभीत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि 5 जून को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का जन्मदिवस था, साथ ही साथ विश्व पर्यावरण दिवस भी था। तो ऐसे में पीलीभीत में तस्वीरें नजर आई है, जहाँ पर लोग जो है वो इकट्ठा हुए हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लंबी आयु की कामना करते हुए हवन यज्ञ करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पीलीभीत नगर पालिका परिषद की अध्यक्षता है डॉक्टर आस्था अग्रवाल, वो नगर को साफ और सुंदर बनाने को लेकर पूरे शहर में एक रैली को उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। सदर कोतवाली स्थित जलकर परिसर से होते हुए चावला चौराहा, गैस चौराहा, सुनगढ़ी होते हुए नगर पालिका परिषद पीलीभीत में इसका समापन हुआ है। आपको बता दें कि इस पैदल गश्त का मुख्य उद्देश्य नगर को विशेष साफ सफाई, स्वच्छता, स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान पैदल गश्त करके बताना था, लोगों को जागरूक करना था। डोर टू डोर यह अभियान चलाया गया है। आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर तमाम लोगों ने शपथ ली है, साथ ही साथ यहां पर पौधारोपण भी किया गया है। आज का दिन मुझे लगता है हम सबके लिए बहुत खास है। आज हमने सुबह 6 बजे जो हमारा वाटरवर्क्स कंपाउंड है नगर पालिका का, वहाँ पर सफाई अभियान चलाया और फिर वहाँ से जो डोर टू डोर कलेक्शन के लिए रिक्शे थे, करीब 100 के हमारे पास रिक्शे थे, तो उन सबकी हमने एक रैली करी,
सारे कर्मचारियों को वो रिक्शे वितरण करें और उसका उद्घाटन करके एक जागरूकता अभियान हमने पूरे शहर में चलाया जो हमने वाटर वर्क से शुरू करा। हरदोई के बिलग्राम कन्नौज मार्ग पर चलती एम्बुलेंस अचानक आग का गोला बन गई। जी हाँ, देखते ही देखते एम्बुलेंस पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। ड्राइवर और एमटी ने कूदकर अपनी जान बचाई है। आपको बता दें कि मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के बख्शीपुरवा के पास बिलग्राम कन्नौज मार्ग पर कन्नौज जिला अस्पताल की एम्बुलेंस 102 मरीज छोड़कर वापस जा रही थी कि अचानक उसमें भीषण आग लग गई। देखते ही देखते एम्बुलेंस पूरी तरह से आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर एमटी ने कूदकर अपनी जान बचाई है। एम्बुलेंस धुंधू कर जलकर राख हो गई। घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब तक आग बुझाई गई तब तक वो जलकर पूरी तरह से राख हो गई थी। इस पूरे मामले में कोतवाल शेषनाथ सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी हुई, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, आग बुझाने का काम किया गया। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अगर यहाँ पर मरीज होता तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि कारण साफ नहीं हो पाए हैं कि आग लगने के कारण क्या है, लेकिन हरदोई में ये चलती एम्बुलेंस आग का गोला बनी है जो कि इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। बिजनौर में अज्ञात वाहन ने सिपाही को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई है। ड्यूटी पर जाने के दौरान यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अस्पताल बेजा थाना हल्दौर में तैनात था मुकेश सिपाही, जिसकी टक्कर लगने से मौत हो गई है। तस्वीर आपके सामने, बिजनौर का एक पूरा मामला है। आपको बता दें कि अज्ञात वाहन ने सिपाही को टक्कर मार दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई है। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। शव को अपने कब्जे में लिया है। आपको बता दें कि हल्दौर में मुकेश कुमार सिपाही तैनात था। महोबा में बुंदेली समाज ने विश्व पर्यावरण दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने खून से खत लिखकर जन्मदिन की बधाई दी है और साथ ही साथ महोबा के सिचौरा गांव में स्थित 1500 साल पुराने देश के इकलौते जुड़वा कल्प वृक्ष को बचाने की गुहार लगाई है। साथ ही खटाई में पड़े महोबा के मेडिकल कॉलेज को तत्काल शुरू करने की मांग की है। बुंदेली समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बुंदेलियों ने रिकॉर्ड 32वीं बार खून से खत लिखा है। बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में खून से खत लिखे गए। तारा पाटकर ने बताया कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर लोगों ने खून से खत लिखकर बधाई संदेश भेजा है, साथ ही ईश्वर से उनकी लंबी उम्र की कामना की है। गोरखेश्वर महादेव की कृपा उन पर हरदम बरसती रहे और नरेंद्र मोदी के बाद वे भारत के अगले प्रधानमंत्री बने, ऐसा उन्होंने लिखा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुंदेली समाज खून से खत लिखकर यहाँ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिवस पर उन्हें बधाई दी है। जो कल्प वृक्ष है यहाँ पर जुड़वा, वो खत्म ना हो, इसको लेकर उसको बचाने के लिए यहाँ पर मुहिम छेड़ी गई है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जो पेड़ है वो 1500 साल पुराने हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज को तत्काल शुरू करने की मांग भी की गई है। आपको बता दें कि रिकॉर्ड 32वीं बार खून से यहाँ पर खत लिखा गया है बुंदेली समाज द्वारा। साथ ही साथ बता दें कि उनका कहना है कि वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की अच्छी सेहत हो, लंबी उम्र हो, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान देने की भी जरूरत है। देखिए, देश काल की परिस्थितियों को देखते हुए साधारण खतों से अब काम नहीं चलता है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने महोबा की बुंदेलखंड की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करवाने के लिए पोस्ट कार्ड अभियान से ही शुरुआत की थी और 1,00,000 पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री जी को भिजवाए गए थे। उसके बाद जब नहीं सुना गया, फिर हम लोगों ने अनशन किया, फिर हमने खासतौर से नंगे पैर चलने का हठयोग सत्याग्रह चालू किया। कानपुर सपा विधायक इरफान सोलंकी की कानपुर कोर्ट में पेशी हुई। कानपुर कोर्ट में कुल 4 मामलों में सुनवाई हुई, जबकि एक केस में चार्ज बना। प्लॉट पर आगजनी वाले मामले में एडीजे 11 में सुनवाई हुई। आगजनी वाले मामले में फोरेंसिक फील्ड यूनिट के डॉक्टर प्रवीण के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है। इरफान सोलंकी के वकील करीम सिद्दीकी के मुताबिक एसीएमएम 3 में 3 केस पर सुनवाई हुई है। पत्रकारों के सवाल के जवाब पर विधायक इरफान सोलंकी ने लोगों को इशारा करके जवाब दिया, जबकि मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर बोले कि आज मेरा भी जन्मदिन है। मुख्यमंत्री को बधाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी को बधाई। इसके बाद पुलिस उन्हें कानपुर कचहरी में महाराजगंज जेल के लिए लेकर रवाना हो गई। आज एक केस में चार्ज बना है एसीएमएम 3 में, क्राइम नंबर 212/22।
एक में 313 हुआ है, क्राइम नंबर 10/17 एसएमएम 3 में। एडीजे 11 जहां पर क्राइम नंबर 127/22 ट्रायल चल रहा है, जिसमें 11 गवाह हो चुके हैं। फील्ड यूनिट जो फॉरेंसिक साइंस के हैं उनको समन गया था, लेकिन वो आज नहीं आए। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र रूमा स्थित टोयोटा कार शोरूम में शातिर चोरों ने तिजोरी काटकर 60 लाख रुपए कैश ले लिए। शोरूम के अंदर सो रहे कर्मचारियों की इसकी भनक तक नहीं लगी। कर्मचारी सुबह सोकर उठे तो चोरी की जानकारी हुई। महाराजपुर थाने की पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच करने पहुंची है। सीसीटीवी फुटेज की जांच से सामने आया कि देर रात घुसे दो चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और आराम से वो भाग निकले हैं। सीसीटीवी आपके सामने है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कितने आसानी से पहुंचे शोरूम के अंदर और बहुत ही आराम से उन्होंने तिजोरी काटी है, पैसे निकाले हैं और वहां से फरार हो गए। जो कर्मचारी यहां पर मौजूद थे उन्हें पता तक नहीं लगा है। कानपुर का एक पूरा मामला है। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र रूमा स्थित टोयोटा कार शोरूम है जहां शातिर चोर पहुंचे, तिजोरी काटी है, 60 लाख का कैश लिया। शोरूम के अंदर सो रहे कर्मचारी को इसकी भनक तक नहीं लगी। कर्मचारी सुबह उठकर देखा तो फिर पता चला कि चोरी की जानकारी हुई है। महाराजपुर थाने की पुलिस और फोरेंसिक टीम इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सर ये क्या मामला है? देखिए थाना महाराजपुर में एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया है जिसमें टोयोटा के शोरूम में चोरी की सूचना आई थी। मौके पर जब विजिट किया गया तो पता चला कि चोरी लगभग 59 लाख रुपए की हुई। इस प्रकरण में एक एफआईआर महाराजपुर थाने में पंजीकृत की जा चुकी है। डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक और अन्य तकनीकी साक्ष्य कलेक्ट किए जा रहे हैं। और अब खबर गाजीपुर से, जहां पुलिस ने जुआ के एक अड्डे पर छापेमारी कर जुआ खेल रहे 5 जुआरियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए जुआरियों के पास से पुलिस ने 3,22,000 रुपए नकदी के साथ 8 बाइक और जुआ खेलने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली 2 ताश की गड्डी बरामद की है। कुछ अन्य जुआरी भागने में सफल रहे हैं जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस को कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि सदर कोतवाली क्षेत्र के डेढ़वा में गोरख बिंद के घर में जुआ खेला जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छापेमारी की और जुआ खेल रहे 5 जुआरियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य जो लोग थे वो भागने में कामयाब रहे हैं। मुख्य अभियुक्त गोरख बिंद भी भागने में सफल रहा। गिरफ्तार अभियुक्त सुगेंद्र लाल नंदगंज थाना क्षेत्र के पिररी गाँव का नवदेश मिश्र और तमाम लोग वहां से पकड़े गए हैं। एसपी ने बताया कि पुलिस की अच्छी कामयाबी है और फरार अभियुक्तों की तलाश भी की जा रही है। किस तरह का मामला है? विगत कुछ दिनों से जनपद गाजीपुर में लगातार जुआ खेलने की शिकायतें आ रही थी। इसी को डेवलप करते हुए इंस्पेक्टर कोतवाली ने अपनी टीम के साथ कल एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है। इसमें एक गोरख बिंद नाम का व्यक्ति था जो अपने घर में जुआ कराता था। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने हरदोई पहुंचे मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी के न्यूयॉर्क में बीजेपी और एसएस के ऊपर दिए गए बयान के जवाब में उनके विदेश दौरे पर ही सवाल खड़े करते हुए उनके दौरे को देश को तोड़ने का बताया है, देश के मान और सम्मान को तोड़ने वाला बता दिया। वहीं उन्होंने ओडिशा ट्रेन हादसे पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के केंद्र सरकार से पूछे गए सवालों पर कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस को लाशों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष की एकता पर भी हमला बोला तो मुख्तार अंसारी की सजा होने पर श्री योगी आदित्यनाथ को दिया है। और रही कि जिलाध्यक्ष ने अनुशासनहीनता के चलते 5 लोगों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जिलाध्यक्ष ने लेटर जारी कर जानकारी दी है। ककौर मुख्यालय से जिला पार्टी कार्यालय का एक पूरा मामला है। निष्कासित पार्टी कार्यकर्ता भानु विश्वकर्मा ने नगर पालिका चुनाव में सपा जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम के बूथ पर सोशल मीडिया में पोस्ट डालकर चुनाव में सपा प्रत्याशी नीतू चौधरी के मिले मतों की स्थिति को यहां से अवगत कराया। निष्कासित सपा कार्यकर्ता ने सोशल मीडिया में पोस्ट डालकर जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी पर सपा प्रत्याशी नीतू चौधरी को जिलाध्यक्ष के बूथ पर सपा को मात 62 मत और बीजेपी को 40 मत जबकि वहीं बीएसपी को 14 मत मिले थे। निष्कासित कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर तत्कालीन सपा जिलाध्यक्ष राजवीर यादव, सपा प्रत्याशी विधानसभा औरैया सदर जितेंद्र दोहरे को अपने घर से निकल जाने का भी जिक्र किया था। लोकसभा चुनाव 2024 का सपना सजोए सपा प्रमुख अखिलेश यादव का सपना कैसे पूरा होगा क्योंकि गहमागहमी लगातार
दिखाई दे रही है। मेरे सहयोगी आशु भदौरिया मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशु, हम देख रहे हैं कि जहां एक तरफ अखिलेश यादव शिविर की तैयारी कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपस में ही जो औरैया में फूट है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। हर कार्यकर्ता सिर्फ अपने आप को आगे रखने की कोशिश कर रहा है। जी मैम, अभी जस्ट एक हफ्ता पहले समाजवादी पार्टी कार्यालय में मीटिंग रखी थी, बुलाई गई थी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने, जो अभी निकाय चुनाव हुआ है उस उपलक्ष्य में, तो वहां पर थोड़ा शोर शराबा हुआ। शोर शराबा ये हुआ कि अजीतमल एक पड़ता है उस नगर पंचायत, उसको सीट हारने के लिए, क्योंकि जो जिलाध्यक्ष है वो अजीतमल से आते हैं, तो कुछ कार्यकर्ताओं को जो पार्टी से निकाले कई कार्यकर्ता है, उनका साफ कहना है कि जिलाध्यक्ष जी के बाहर से मात्र 40 वोट मिले हुए हैं, और वहां पर बहुजन समाज पार्टी को 450 के बीच वोट मिले हुए हैं। तो उनका ये आरोप था जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के ऊपर कि समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष सर्वेश बाबू गौतम, उन्होंने सपा का नाल होकर भाजपा का उन्होंने फेवर किया है, भाजपा के फेवर प्रचार किया है, इस कारण से वहां भारी हंगामा हुआ है। आशु, तो फिर यहाँ पर अगर शिविर लगाने की तैयारी सपा कर रही है तो कैसे फिर एकजुट किया जाएगा कार्यकर्ताओं को? मैम, ये जो पार्टी के कार्यकर्ता निकाले गए हैं ये बहुत ही बड़े कार्यकर्ता हैं। इन्होंने अभी डिंपल जी को चुनाव जिताने में इन्होंने काफी मेहनत की, अतुल प्रधान को जिताने में उन्होंने काफी मेहनत की वहां पर जाके। ये जो कार्यकर्ता निकाले गए ये काफी सक्रिय कार्यकर्ता है, और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी आज नहीं, मुझे लगता है 10-12 साल से बराबर कंटिन्यू ये लोग काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष है उनका फैसला, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका गलत फैसला है। कल मेरी जो समाजवादी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आप नजर बना के रखेगा। तो औरैया का ये पूरा मामला है जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं में गहमागहमी दिखी है और कुछ कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, लेकिन सवाल यह है कि जहां एक तरफ अखिलेश यादव साइकिल को चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं साइकिल चलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 2024 बेहद नजदीक है, निकाय चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है समाजवादी पार्टी को, तो ऐसे में कार्यकर्ता ही आपस में पूरी तरीके से तालमेल नहीं बिठा पाएंगे, तो आगे 2024 कैसे फतह किया जाएगा। झांसी से गरौट वापस लौटे लोडिंग गाड़ी गुरसराय से टेरौली की ओर आ रही, चालक के सामने अचानक नील गाय आ जाने से दोनों गाड़ियों का संतुलन बिगड़ गया और पिकअप लोडिंग और आपे चालक में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप लोडिंग गाड़ी बीच सड़क पर ही पलट गई और आपे गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के मुताबिक आपे में सवार दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें राहगीरों की मदद से इलाज के लिए गुरसराय भेजा गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया है। जालौन पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, मुखबिर की सूचना पर 25,000 के शातिर नामिया को गिरफ्तार किया है। लूट जालसाजी सहित कई मामलों में वांछित चल रहा था स्टार अहमद, उरई कोतवाली पुलिस ने जालौन बाईपास से बदमाश की गिरफ्तारी की है। पीलीभीत नगर पालिका परिषद सीट से नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर आस्था अग्रवाल ने शपथ ग्रहण के बाद सदन में पहली बोर्ड की बैठक ली। बोर्ड बैठक के दौरान चेयरमैन आस्था अग्रवाल का घेराव करते हुए सभासदों ने बोर्ड रूम में जमकर हंगामा किया। साथ ही पूरे शहर में ठप पड़ी बिजली व्यवस्था सहित पानी की व्यवस्था उपलब्ध न होने से जल्दी बिजली पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित कराने की मांग की है। साथ ही नवनिर्वाचित अध्यक्ष को सदन से पहले ही दिन सभासद से लोगों का सामना करना पड़ा, जिसमें कुछ सभासदों ने बोर्ड बैठक की सूचना न देने का भी आरोप लगाया। पूरे मामले को लेकर सभासदों को समझाते हुए नगर पालिका अध्यक्ष ने सारी व्यवस्थाओं को जल्द पूरा करने की भी बात कही है। जी, चूंकि आज बोर्ड की पहली मीटिंग थी तो एक तो इंट्रोडक्शन फेज रहा सबसे पहले, और हर वार्ड मेंबर की शिकायतों को सुना गया। सबसे पहले जो इस समय चूंकि बरसात आने वाली है और जल भराव की समस्या पूरे शहर की है, तो हर वार्ड मेंबर से यही आग्रह किया गया कि जब सफाई हो तो वो सुनिश्चित करें कि नालों की तली झाड़ सफाई हो रही है, और उनकी किसी भी तरह की समस्या जो उसके वार्ड से रिलेटेड है उसके बारे में डिस्कशन। औरैया में आयोजित भागवत कथा के समापन पर शनिवार सुबह ग्रामीण भीजलपुर यमुना नदी घाट पर फूल विसर्जन के लिए पहुंचे थे, तभी नहाने के दौरान कृपेंद्र फरानू सिंगर बेटा शैलेंद्र सिंगर नदी की धारा में आकर बहने लगा। चीखने की आवाज सुनकर लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, तब तक वह नदी में डूब गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बीजलपुर और जालौन जिले की सीमा में बसे गांवों से गोताखोरों की
मदद से नदी में तलाश शुरू की। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने उसे नदी की तलहटी से कोचकर बाहर निकाला। इसके बाद अरनफान में परिजनों से सीएससी लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मौत की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं मां और भाई का रो रो कर बुरा हाल है। थाना प्रभारी विजय कुमार पांडे ने बताया कि फौती की सूचना पर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नूरपुर में मुरादाबाद मार्ग पर सैदपुर भट्टे के पास चल रहे अवैध खनन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शिकायत के आधार पर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और खनन कर रहे ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लिया। हालांकि मौके से खनन माफिया पुलिस को आता देख फरार हो गए। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने एक ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लिया है, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो बिजनौर का एक पूरा मामला है, आपको बता दें कि अवैध खनन पर लगातार पुलिस का एक्शन जारी है और यही तस्वीरें हमने बिजनौर में भी देखी हैं। पुलिस यहां पहुंची लेकिन पुलिस को देखकर जो खनन माफिया है वो मौके से फरार हो गए, लेकिन वहां से पुलिस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। नूरपुर में मुरादाबाद मार्ग पर सैदपुर भट्टे के पास परमिशन की आड़ में अवैध खनन चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर सीओ चांदपुर के आदेश के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक ट्रैक्टर को पकड़ लिया। पुलिस को आता देख कुछ खनन माफिया मौके से फरार हो गए। 12 बीघा जमीन लगभग 8 फीट मिट्टी डालने का काम दिन दिहाड़े चल रहा था। एक और बिजनौर एसपी नीरज कुमार जादौर ने खनन माफियाओं पर पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।